हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी बुक्स के नाम आगे बताने वाली हूँ, ये किसी भी पब्लिकेशन या कंपनी के द्वारा प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं ये बस आपके नॉलेज के पर्पज़ से बताने वाली हूँ, जिससे आगे आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के की पॉइंट्स की तरफ। तो आज का मेरा की पॉइंट्स है कि जेएनएम के थर्ड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। तो मेनली थर्ड ईयर में आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, मिडवाइफरी एंड गाइनिकोलॉजिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू। तो चलिए अब बुक्स को देख लेते हैं। तो मिडवाइफरी एंड गाइनिकोलॉजिकल के लिए आप डीसी दत्ता का बुक यूज कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर हैं और इसमें दो बुक्स आता है, एक बुक ऑब्स्टेट्रिक्स का आता है और दूसरा बुक गाइनिकोलॉजिकल नर्सिंग पे आता है। इसके अलावा आप अनम्मा जैकब का बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें मिडवाइफरी एंड गाइनिकोलॉजिकल नर्सिंग दोनों एक ही बुक में आता है। दूसरा है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आप स्वर्णकार का बुक यूज कर सकते हैं, जिसको मेरे फर्स्ट ईयर के वीडियो में जिक्र किया है, और इसी बुक का सेकंड पार्ट को आप थर्ड ईयर में पढ़ सकते हैं। और अगर आप झारखंड के अंडर जेएनएम का कोर्स कर रहे हैं तो ये सब बुक्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स अचीव करने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।